तो सर मैं इसमें एक सिंगर और राइटर प्ले कर रहा हूँ जो अपने लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, काम नहीं है, बट हम सबके एक रिश्ते आते हैं जहाँ पे हमें कनेक्शन नहीं बनाने चाहिए। तो मेरी वाइफ की बहन आ जाती है वहाँ पे, मेरे उससे कुछ अवैध रिश्ते हो जाते हैं तो वहाँ गलत हो जाते हैं। तो अवैध इसीलिए जो भी हम हमारे रिश्तों की बाउंड्रीज से जाके कुछ करते हैं वो हम कुछ गलत करते हैं हमारे रिश्तों के बीच। तो इसका नाम अवैध इसीलिए क्योंकि हमें जो नहीं करना चाहिए हमारे चाहने वालों के साथ और दूसरों के साथ उसको हम लाइन क्रॉस करके करते हैं, इसीलिए अवैध। राइट। इसके अलावा कुछ आने वाले समय में कोई अपकमिंग? सर देयर इज 5 सीरीज कमिंग। खलबली रिकॉर्ड्स आ रही है, वूट पे ड्रग्स एंड ड्रीम्स आ रही है नेटफ्लिक्स पे, इकरूप आ रही है नेटफ्लिक्स पे, इफरीत आ रही है। हाँ इंडिपेंडेंट सॉन्ग सर, मेरी रैप सीरीज आ रही है पूरी रैप पे सीरीज, उसमें मैं रैप कर रहा हूँ बड़े बड़े रैपर्स उसमें, तो उसका नाम खलबली रिकॉर्ड्स है, उसके भी ट्रेलर लॉन्च पे हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अलग ही नाम रखता है मेरे मन में कुछ नहीं आता अवैध सुन के, मेरे मन में आता है कि वॉच अवैध ओनली ऑन वॉचो। देखिए आई हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक इनसाइड जब आप बात कर रहे थे, बट द ट्रूथ इज दैट जब ये ऑफर आया था मेरे पास उन्होंने मुझे काफ़ी क्लैरिटी में और काफ़ी डिटेल में ये कैरेक्टर समझाया था। एंड फॉर मी एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर वी ऑल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ हम अपना बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज हम दिखा पाए, एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ देम। कास्ट एंड क्रू वाज एब्सोल्युटली, क्योंकि हम जान पहचान के थे इसलिए ऑल द मोर थोड़ा ईज ऑफ हो जाता है सिचुएशन वहाँ पे। बट बाय द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर, मुझे आप जो चैलेंजिंग आप मुझे जो चैलेंज करेंगे मैं वो एक्सेप्ट करूंगी एंड आई विल ट्राई टू बी माय बेस्ट। कितना रिलेट हो जाता है जिस तरह रील का किरदार और रियल का किरदार? काफी। मैंने आज तक अपना रियल किरदार तो किसी को दिखाया ही नहीं, फिर भी अगर हमारे दर्शकों को बताना कितना इज इट अपोजिट समवेयर लाइक कुछ आप बताना चाहोगे रियल के किरदार का? वही तो मैंने कहा दिस इज नोवेयर क्लोज टू। ओके सो आप जो पूछ रहे हैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अवैध इज अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इलिसिट रिलेशनशिप्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज्यादा जिंदगियों में भी, आम तौर पे आम जिंदगियों में भी होती है जो हम लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं चलता, हमारे साथ भले ना हो पर किसी और के साथ हो रहा होता है यही चीज़। सो दे हैव ट्राई टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द सिचुएशन, दे हैव बीन वेरी रियलिस्टिक अबाउट द प्लॉट्स, अबाउट द स्टोरी लाइन्स, अबाउट एवरी थिंग। कैरेक्टर्स को भी उतना ही रियलिस्टिक रखा है जितना कि यू नो नॉट लाउड, ज़्यादा वो नहीं, जितना हम कर सकते हैं, जितना रियल रह सकते हैं ताकि इट्स अ कनेक्ट, ताकि आप हमसे कनेक्ट कर पाए। सो दैट वे इट्स वेरी रियलिस्टिक, बट फॉर मी द कैरेक्टर इज नॉट रियलिस्टिक। 2022 की मैं बात करूँ जिस तरह का प्यार नागिन को मिला है ओटीटी के स्पेशली द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ द डिजिटल ऑडियंस, अगर आप समझ पा रहे हो डिजिटल ऑडियंस की मैं बात करूँ, यूट्यूब में जितना प्यार मिलता है या फिर सोशल मीडिया पे आपकी अपनी जितने भी सारे तस्वीरें हैं, आपको ऐसा लगता है वुड यू लाइक टू इन प्रोफेशनल वाइज वांट टू मोर फोकस ऑन द ओटीटी ऑन द डिजिटल साइड? There's nothing like more focus here, more focus there. देखिए हम लोग ना वो हवा है, जहाँ जहाँ आप वो हमें जगह मिलेगी हम वहाँ वहाँ बहते चले जाएंगे, पानी की तरह है, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी हवा पानी जो भी बोलो अब मैंने तो सारे एलिमेंट्स मिला लिए, बट वे आर एक्टर्स, मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी या तो फिर सामने वाले को उतना कॉन्फिडेंस होगा मुझ में, उतना फेथ होगा कि वो मुझे ये किरदार ऑफर करेगा, मैं वो करूँगी। अगर मुझे इंटरेस्ट होगा आई विल डेफिनेटली डू इट, व्हाई नॉट। एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है लाइफ में? अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट। तो मुझे वो ही मिला है फ्रॉम वॉचो, सो आई एम हैप्पी। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट फॉर 2023। ये मैंने आई थिंक शूट इनके साथ आई थिंक अक्टूबर में करीबन किया था एंड जनवरी में आप देखिए
सेकेंड वीक में ही लॉन्च है। ऑफर ही नहीं आया सर, पर ऑफर आना चाहिए ना। बट देन नो सॉरी बट देन नोबडी ऑफर्स। ये यहाँ रख दो, नीचे ही चाहिए। अच्छा, किस तरह की म्यूजिक वीडियोस की? मैंने ज़्यादातर म्यूजिक वीडियोस देखे नहीं है, बट जो भी सुनती हूँ गाने आई लाइक देम। जो भी थोड़े बहुत विजुअल्स देखती हूँ अपने को एक्टर्स के करते हुए, सिम्बा को देख लिया, प्रतीक को देख लिया, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने करते हुए। सो आई थिंक इट्स नाइस, इट्स गुड फन, इट्स देयर टाइम। हमने अपने टाइम में किए हैं बहुत सारे। उस ग्रुप की मैं बात करूं, सिम्बा, प्रतीक, तेजस्वी, दे आर द पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ बिग बॉस। आई एम द विनर। या यू आर द विनर, डिजर्विंग विनर। उस बिग बॉस की कभी चर्चा होती है वो ग्रुप में? अगर नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो हो गया ना, खत्म, वी आर डन विद दैट। मैं बीच में काफी फॉलो कर रही थी और उसके बाद मैं अब रुक गई। किस किस को देखना ज्यादा पसंद है? आई लाइक शिव, आई लाइक शिव, शिव, प्रियंका, वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट देम? शिव आई थिंक जैसा है ना है, शिव बहुत बहुत क्लेवर है, ही इज वेरी स्मार्ट, बट ही इज नॉट एरोगेंट, ही इज नॉट। इनिशियली मुझे थोड़ा सा लगा उसके एटीट्यूड को देख के, बट देन आई रियलाइज कि ही इज वेरी रियल, ही इज अ वेरी रियल, वो दिमाग से खेल रहा है बंदा। अभी तक तो कुछ भी नहीं, पर मेरा जब भी कोई खबर आती है आपको मुझसे पहले मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस क्रेसेंडो म्यूजिक वेब सीरीज। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दिस न्यू ऐप वॉचो, द टीम इज डूइंग रियली गुड, और ये हिंदी कंटेंट को ज़्यादा फोकस करने वाला ऐप है। नाउ वी कम टू आवर वेब सीरीज अवैध, ये 8 एपिसोड्स हैं, 8 स्टोरीज हैं और 8 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ के बारे में है। माय स्टोरीज नेम इज पीपिंग टॉम, एंड हियर दिस वुमन शी इज अबाउट टू गो थ्रू द डिवोर्स, उसकी ज़िंदगी में शी इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, और वो किसी के साथ में संबंध में है, एंड हाउ द फैमिली एंड द चिल्ड्रन एंड द ड्रामा अनफोल्ड्स एंड व्हाट ऑल एक्सीडेंटल थिंग्स हैपन इन द एपिसोड दैट यू हैव टू सी। सिर्फ जस्ट 20 मिनट्स का एपिसोड है, बट ये सारे के सारे एपिसोड्स का पॉइंट एक ही है कि जब आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में इस्तेमाल करते हो, आपके रिश्तों का एडवांटेज उठाते हो, या कोई भी सीमा जब पार करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसका अंजाम क्या होता है, वो आपको भुगतना पड़ता है, और वो अंजाम कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट इज़ बीइंग हाइलाइट हियर। My role is very complicated actually. How many dimensions और कितनी सारी परिस्थितियों से एक अकेली औरत गुजरती है और उसको क्या क्या चीज़ें सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, या ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसको चाहत के लिए कितना टॉर्चर होता है। It's lot of things in very small script. You will enjoy it. Thank you. Firstly, what would you like to say about your role? My role? See, I am playing an actress, जो मैं हूँ, तो मैं वही play कर रही हूँ उसमें. लेकिन what do I say? The character, actress, this actress has an illicit relation, but
it is such an unexpected guy. So to know more about her journey, you have to watch it because कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका ऐसे इंसान के साथ कोई relation हो सकता है. So it's quite interesting. और जब सुरेश ने मुझे बोला था तो दो मिनट में ऐसे देखी थी. I said okay. ये पॉसिबल नहीं है. बट ही सेड नहीं, दिस इज द थिंग अबाउट दिस थिंग कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि ऐसा रिलेशन हो सकता है. सो या इट्स फॉर रेस्ट अदर थिंग्स यू हैव टू वॉच. सबसे बड़ी कारण क्या, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर अवेल टू बी अवेल एज अ टाइटल? आई थिंक अगर आप जितनी भी आर्ट की आर्ट स्टोरीज देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एनीथिंग दैट यू डू यू नो आउट ऑफ लाइन और आउट ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, तो उसका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट होता है. एंड वी ट्राइंग टू शो दैट कि यू नो इट अफेक्ट्स एवरीबॉडीज लाइफ, नॉट जस्ट द पर्सन हु इज डूइंग इट बट ऑल्सो टू द पर्सन हु इज ऑन द अदर एंड एंड हु आर रिलेटेड टू दिस पर्सन. सो दैट्स द स्टोरी बिकॉज ऑल द स्टोरी हैज समथिंग व्हिच इज अवेयर. थैंक यू.